हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. कह रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. कह रहा है जो पेयर्स है, जो रेशनल नंबर का पेयर्स है, इसमें से कौन सा पेयर्स होता है आपका इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट मतलब समझते हो कि आपका जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर जो होता है, भले ही उसकी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, बट आफ्टर सॉल्विंग आपकी जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू के बराबर आ जाएगा. ठीक है, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. देखो फर्स्ट नंबर मैं बता रहा हूं आपको, देखो फर्स्ट नंबर का रहा है -13/7 और 39-21. क्या यह इक्विवेलेंट है? मतलब इक्विवेलेंट जो होता है इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया होगा तब जाके यह इससे आगे बढ़े, मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया गया तब आपको इतना हुआ है. ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट यही होता है. बट आफ्टर इसको सॉल्व करने के बाद आपको -13/7 आ जाता है यह, तो आप जान देना इक्विवेलेंट है. ठीक है, या इसको जो होता है एक और दूसरा मेथड बता रहा हूँ, चलो इसको सॉल्व करने के बाद देन दूसरा मेथड बता रहा हूँ. ठीक है, देखो अगर इसको आप 13/7 है तो अगर इसको आप 3 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा. और 39 को 3 से डिवाइड करते हो तो इसको 3 से डिवाइड कर 39 को तो 13 आ जाएगा. और माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हो -13/7, ये भी -13/7 हो गया. ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो 7, तो मींस ये दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, इसलिए हम कहते हैं इक्विवेलेंट. भले ही इसकी जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अलग वैल्यू हो सकती है, बट आफ्टर सॉल्विंग जो ये डाटा जो होता है 39/20-21 जो होता है इक्वल है कि नहीं, आपका -13/7 आ गया कि नहीं यहाँ पे, तो यही बोलते हैं ये क्या है, आर इक्विवेलेंट है. ठीक है, आर इक्विवेलेंट है. ठीक है, आर इक्विवेलेंट. ठीक है, एक दूसरा मेथड देखो मैं बता रहा हूँ कि अगर -13/7 है और 13/-21 है, कोई पूछे बताओ कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कर देना. ठीक है, रेशनल नंबर कर देना. ठीक है, तो क्या इक्विवेलेंट है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना. और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो -13 × -21 और 39 × 7, जब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों का डाटा सेम आ जाए, ये कितना आ रहा है आपका 273 आएगा, क्योंकि -(+), -(-) गिव्स +, और इसका जो आप मल्टीप्लाई करोगे 273 आएगा. मींस तो ये क्या है, इक्वल है, मींस ये इक्विवेलेंट. इससे भी चेक कर सकते हो, या इसको देखना है कि अगर यहाँ भी चेक कर सकते हो कि इस 13/7 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया कि आपको 13 और -21 आए, सेम दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट है. सेकंड नंबर में उसी तरह देखो, सेकंड नंबर मैं आपको बता रहा हूँ अदर पेज पे, तो सेकंड नंबर में आपको बोल रहा है 3/-8 - 6/16 जो होता है, ये क्या इक्विवेलेंट है. तो देखो अगर आप 8 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, और उसी तरह 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा. ठीक है, 3 में -2 से, क्योंकि अगर माइनस, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/-, यहाँ पर 3 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, और यहाँ -6/16 कर सकते हो. ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो. तो आप क्या करोगे, इस तरह हुआ, देन अगर इसको क्या करोगे तो आप कितना से 2 से करोगे तो 2 से कितना होगा, 3 × 6, ऐसे 2 से करोगे तो 8 है, मतलब 3/-8 और -6/16 जो क्या है आपका इक्विवेलेंट है कि नहीं. नहीं, इससे भी नहीं हुआ चेक, तो आप वो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देना. ठीक है, ये क्या आपका आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. देखो ये 3/8 है, -3/8 है और -6/16 है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका -6/ और इसमें 16 आ जाएगा, आया कि नहीं. ये माइनस तो आप ऊपर भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. उस तरह थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में आपको क्या बोल रहा है कि 9/4 और -16 - 36/ आपका 16 जो होता है क्या इक्वल है. चलो चेक कर लेते हैं, आपका 9/4 और जो होता है -36/-16. देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है
और देखो अगर इस दोनों में 9 और 4 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 36 भी आ जाए और 66 आ जाए। अगर हम देखो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 9 चौका 36 और 4 चौका 16 आपका आ गया, इतना कितना हो गया। तो मीन्स ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। इससे नहीं मालूम तो चल रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो मीन्स क्या है, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। उस तरफ आप फोर्थ नंबर देखना, फोर्थ नंबर में कह रहा है 7/15, फोर्थ में कह रहा है आपका 7/15 और -28/60। देखो तो कह रहा है कि 7/15 और -28/60 क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, चलो चेक कर लेते हैं। अगर देखो कि अगर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई, देखो 7/15 है और 28/16 है, तो इसको आप देखो इसमें क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करना सेम नंबर से दोनों से, अगर इतना आ जाए तो जान जाना कि इक्विवेलेंट है, नहीं तो इसमें जो है सेम नंबर से डिवाइड करना, अगर जो है आपका इतना के बराबर आ गया तो समझ लेना इक्विवेलेंट है। अगर थर्ड मेथड जो था, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें करना और दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो जान जाना इक्विवेलेंट, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अगर मान लो 4 से करते हो तो 15 चौका 60 और इसे 4 से डिवाइड करते हो तो कितना हुआ आपका 7 चौका 28, 4 से 7 चौका 28, ठीक है। या इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई 7 चौका 28 हो जाएगा और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हुए क्या आ जाएगा, यह 60। इससे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, लेकिन इसको डिवाइड करोगे सेम नंबर से तो आपको इतना आएगा, ठीक है। तो देखो तो आपका 7/15 और -7/15 आ रहा है, तो क्या यह इक्वल हो सकता है। अगर नहीं, अगर देखो इक्वल इस तरह नहीं रहा, 7/15 देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कंपेयर करना है, केवल आपको नोमिनेटर्स कंपेयर करने के सिखाए, कंपेयर अगर देखो कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो देन आप कंपेयर किससे कर सकते हो, नोमिनेटर से। देखो ये 7 है और -7 है, क्या एक दूसरे को इक्वल है, नहीं है, ये नॉट इक्वल थे, क्या कहोगे, नॉट इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका नहीं होगा। देखो 15 सतह कितना होता है 105 और ये 15 सतह 105 होता है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव है, प्लस है, क्या इक्वल है, नहीं है। ऐसे भी चेक बहुत सारे मेथड होते हैं भाई, ठीक है। अब उसी तरह अब फाइव नंबर देखना, फाइव नंबर में जो होता है आपका 3/5 नंबर में देखो क्या है, 5 नंबर में कह रहा है कि आपका 3/12 और -1/4 क्या ये इक्विवेलेंट है। तो देखो इक्विवेलेंट इसको चेक करने का अपने मालूम चला इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अगर इक्वल आ जाए देखो 3 × 4 और इधर -1 × 12 करोगे तो क्या 4 × 12 और -12 क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ओके। सिक्स नंबर में आपका है 2/3 और 3/2, जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखना 2 × 2 और ये आपका 3 × 3, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, क्या इक्वल है, नहीं है, इससे भी चेक कर सकते हो। देखो अगर देखो देखना अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड से इतना नहीं आ जाए तो क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर दोनों डाटा सेम आ रहा है दोनों जगह के तो आप कह सकते हो इक्विवेलेंट है वरना नहीं है। तो क्या 4 और 9 के बराबर है, नहीं, क्योंकि 9 is greater than 4, ओके। तो आर नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल लगे प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ओके, थैंक यू।